यहाँ पे सारा कंप्लीट। वेरी गुड, बहुत अच्छा अपडेट लगा गाइस। यहाँ पे ये जो अपडेट लगा ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये अपडेट देख सकते हैं गाइस कि हर एक कंटेंट के नाम इन्होंने डाल दिए हैं, क्योंकि इससे ये पता चलेगा, बहुत हेल्पफुल होता चला जाएगा कि कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा डायोड है, कौन सा रजिस्टर है, कौन हेलो गाइस कैसे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह कंटेंट, और आज का जो वीडियो है गाइस आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा कंटेंट है बोर्नियो स्केमेटिक अपडेट के ऊपर, ये डेली अपडेट होता रहता है गाइस। तो चलिए मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि अपडेट क्या आया हुआ है। बेसिकली तीन अपडेट आया हुआ है गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इन्होंने अपडेट क्या किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं, और ये न्यू वर्जन है गाइस का 2.2 patch 8.122। ये तो पुराना है, अब देखते हैं जो अपडेट आया हुआ है वो अपडेट है क्या। तो अब मैं आपके सामने लाइव अपडेट करूंगा। जब भी आप इसको बोर्नियो को अपन ओपन करेंगे आप, तो एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये इंटरफेस अपडेट होने के बाद ही हुआ है गाइस, ये न्यू इसका देख सकते हैं। डेली ये अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। तो देखिए जैसे ही आप ओपन करेंगे ऑटो अपडेट का एक मैसेज आएगा हमें। तो इन्होंने तीन अपडेट अभी किया है रिसेंटली, जो यहाँ पे पुराना वाला था और जो नया वर्जन है इसका 8.2.2 है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, तो जो इन्होंने अपडेट किया है कि हार्डवेयर आईडी रिसेट का फंक्शन डाला हुआ है। मतलब गाइज, मतलब जो हार्डवेयर आईडी का मसला होता है वो मैं देखूंगा अभी लाइव आपके सामने कि इसका हार्डवेयर आईडी का जो मसला है क्या हम यहीं से सॉर्ट आउट कर सकते हैं क्या। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है गाइज, कॉम्पोनेंट जो है उसके नेम विटमैट में दिया है। तो देखते हैं कि गाइज इन्होंने जो बताया गया है कि विटमैट में कॉम्पोनेंट के नेम इन्होंने शो किया हुआ है, तो वो भी चलिए देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेट सोल्यूशन फ्यूचर है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन सोल्यूशन फ्यूचर। ये देखते हैं कि ये सारे फंक्शंस क्या हैं और क्या अपडेट हुआ है। तो चलिए फटाक से हम इसको कर लेते हैं अपडेट आपके सामने। यहाँ पे हम लाइव कर देते हैं, डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया गाइस। एक छोटा सा वीडियो है, अपडेट वीडियो है, और ये हमेशा मैं वीडियो लाता रहता हूँ गाइस। तो ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो, और देखते हैं कि इसके अंदर क्या अपडेट है, क्योंकि मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई फेक वीडियो या फिर पहले से बना करके आपको ऐसा दिखा रहा हूँ, आपके सामने ये लाइव कर रहा हूँ। अभी ये अपडेट हो गया, अभी रिस्टार्ट हो जाएगा गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख ले रहे हो। अभी ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इसे हम कर लेते हैं लॉगिंग। तो देखिए जो पहले वर्जन था वो नहीं है, अब यहाँ पे आ चुका है 8.2.2। तो चलिए यहाँ पे फटाक से हम ओपन कर लेते हैं, और ये एक छोटा छोटा अपडेट वीडियो रहता है गाइस, तो हमने सोचा कि आपको भी बताना जरूरी है, क्योंकि हमेशा आप अपडेट में बने रहे। अपडेट में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड होती रहती हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इन्होंने पहला लिखा था कि हार्डवेयर आईडी का जो इन्होंने मसला बताया था, हार्डवेयर आईडी का मसला, तो हार्डवेयर आईडी यहाँ पे सेटिंग का कोई ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। तो हार्डवेयर आईडी हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाएंगे, तो इनके सर्वर्स पे जाना पड़ेगा आपको, और सर्वर से आप इनकी हार्डवेयर आईडी को कर सकते हैं। आप इनके बोर्नियो के सर्वर पे जाएंगे, और बोर्नियो के सर्वर में जाकर के आप यहाँ से हार्डवेयर आईडी को मसले को सही कर सकते हैं, या फिर इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहां से भी इनको सही करवा सकते हैं। चलिए दूसरा अपडेट था इनका विडमैप के ऊपर। विडमैप में देख लेते हैं गाइस कि इन्होंने जो बताया है कि, तो हम कोई भी खोल लेते हैं, इन्होंने विडमैप में डाला हुआ है, तो फिलहाल कोई भी हम खोल लेते हैं। यहाँ पे कोई भी एक विडमैप खोल लेते हैं, तो गाइस देखते हैं कि विडमैप में भी जो उन्होंने कॉम्पोनेंट्स के नाम डाले हुए हैं क्या उन्होंने एक्चुअल में डाले हैं कि नहीं डाले हैं। तो जी हाँ, शायद जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट, यहाँ पे सारा कॉम्पोनेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा अपडेट लगा गाइस। यहाँ पे ये जो अपडेट लगा ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये अपडेट देख सकते हैं गाइस कि हर एक कॉम्पोनेंट के नाम इन्होंने डाल दिए हैं, क्योंकि इससे ये पता चलेगा, बहुत हेल्पफुल होता चला जाएगा कि कौन सा कैपेसिटर है, कौन सा डायोड है, कौन सा रजिस्टर है, कौन सी आईसी, आईसी का नंबर भी इन्होंने डाल दिया है। तो गाइस ये जो अपडेट है काफी अच्छा अपडेट लगा गाइस, ये देख सकते हैं आप अपडेट। मतलब मैंने तो कोई भी एक ऐसे ही मॉडल खोल लिया कि देखा कि क्या पता है भी कि नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, कैपेसिटर आपको दिखाई देने को मिल जाएगा गाइस। ऐसा नहीं कि केवल कैपेसिटर है, यहाँ पे रजिस्टर भी है गाइस। तो ऑसम, ये इन्होंने अपना जो प्लेनेट है, ये जो प्लेटफॉर्म है बोर्नियो का, वाकई में इन्होंने अच्छा किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और काफी अच्छा भी लग रहा है, प्रीमियम टाइप का भी लग रहा है, लुक अच्छा लग रहा है गाइस। तो ऐसे ही डेली अपडेट ये बनाते रहते हैं, और डेली डेली का डेली अपडेट ये कर रहे हैं गाइस, जैसा कि देख सकते हो। कलर का भी कॉम्बिनेशन इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, ये देखिए सारी लाइनों को, कॉयल को एल से बताया जाता है, कॉयल को यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे।
और काफी औसम, बहुत अच्छा लगा अपडेट गाइस। और इसका जो दूसरा इन्होंने किया था कि हार्डवेयर आईडी का मसला, वो हार्डवेयर आईडी यहीं कहीं होगा, जहां पे भी होगा हार्डवेयर आईडी का मसला। तो न्यू बोर्नियो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोर्नियो डेली डेली भाई अपडेट होता रहा है, डेली अपडेट हो रहा है गाइज यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हो। तो था तो ये सारी चीजें अपडेट के तौर पर आती रहती है गाइज। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नहीं आपने अपडेट किया तो फटाफट जाके अपडेट कर लीजिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे वीडियो में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइज।